अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब कुछ महीने बचे हैं। लगातार इलेक्शन से नए नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। इस बीच एक अपडेट अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर बनी फिल्म पर भी है। दरअसल उनकी जिंदगी पर बनी विवादित बायोपिक द अप्रेंटिस को रिलीज की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से कुछ हफ्ते पहले अक्टूबर में अमेरिकी और कैनेडियाई सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म सबसे विवादित फिल्म मानी जा रही है। इसमें सेबेस्टियन स्टैन को एक युवा ट्रंप के तौर पर दिखाया गया है, जो 1980 के दशक में न्यूयॉर्क रियल एस्टेट में अपना नाम बनाने की कोशिश करते हुए वकील रॉय कोहन के असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। पिछले हफ्ते ही बियरक्लिफ एंटरटेनमेंट ने ये घोषणा की थी कि वो चुनाव दिवस से कुछ हफ्ते पहले 11 अक्टूबर को द अप्रेंटिस रिलीज करेंगे और ये अभी ज्यादा स्क्रीन के लिए मुशक्कत कर रहे हैं। मंगलवार को फिल्म डायरेक्टर्स ने इसकी रिलीज के लिए पैसा जुटाने के लिए क्राउडसोर्सिंग का भी सहारा लिया। इसकी कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के बाद सभी प्रमुख स्टूडियो और बड़े बड़े लेबल्स ने इसको लेकर काफी प्रस्ताव सामने रखे थे। एक लेटर तो ट्रंप की लीगल टीम की ओर से ही दिया गया था और दूसरी बात यह रही थी कि फिल्म के निवेशकों में से एक डैन स्नाइडर, वॉशिंगटन कमांडर्स के पूर्व मालिक और जो ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने फिल्म से बाहर निकलने का फैसला लिया था। अली अब्बासी द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को वैनिटी फेयर द्वारा लिखा गया है और इस फिल्म में एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड एक्टर सेबेस्टियन स्टैन ने ट्रंप का किरदार निभाया है। फिल्म की रिलीज की घोषणा के बाद ट्रंप के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने इसे कचरा और काल्पनिक बताया। साथ ही इस फिल्म को रिलीज से रोकने के लिए फिल्म निर्माताओं के खिलाफ मुकदमा दायर करने का भी फैसला लिया है। द अप्रेंटिस फिल्म को कांस में एक मिक्स्ड रिस्पांस मिला था। हालांकि स्टैन और स्ट्रॉन्ग की बतौर एक्टर काफी तारीफ की गई थी और फिल्म में खास तौर पर एक सीन ऐसा है जिसमें ट्रंप इवाना के साथ बलात्कार करता है। इवाना ट्रंप के 1990 के तलाक के बयान में उन्होंने कहा कि ट्रंप ने उनके साथ बलात्कार किया है। ट्रंप ने आरोप से इनकार किया और इवाना ट्रंप ने बाद में ये कहा था कि उनका शाब्दिक अर्थ ये नहीं था। तो यहीं पर स्टैन ने ट्रंप की भूमिका निभाई और इस सीन को काफी ज्यादा विवादित माना जा रहा है, बल्कि उन्होंने खुद को अपमानित महसूस किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महीनों की बातचीत के बाद बियरक्लिफ ने यह कदम बढ़ाया और फिल्म के घरेलू डिस्ट्रीब्यूटर्स के अधिकार हासिल कर लिए। हाल ही में अमेरिका के चुनाव से पहले भी आखिरी और सबसे बड़ी प्रेसिडेंट डिबेट भी होने वाली है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस राष्ट्रपति की प्रबल दावेदार मानी जा रही है और युवाओं में उनकी काफी लोकप्रियता भी है। लेकिन ट्रंप पर रिलीज होने वाली इस फिल्म से क्या उनकी चुनावी प्रक्रिया में कोई दखल आती है या फिर नहीं, वो आने वाले समय में ही देखा जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।